ये देखिए गाइस, कुकुम्बर की सब्जी जो कि बिल्कुल लो बजट है, बिल्कुल ये समझ लीजिए जीरो बजट है, तो इस तरह की और इतनी यम्मी इतनी टेस्टी रेसिपी है ये कि आप बिल्कुल उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी अच्छी रेसिपी है। तो देखिए ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस चलिए आज देखते हैं ये यूनिक सी रेसिपी कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। इस समय कोरोना की वजह से हालत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए, या अगर नहीं भी लगेगा तब भी समस्या बहुत ज्यादा खराब है। तो आज हम बताते हैं कुकुम्बर की सब्जी, यानी अपने खीरे की सब्जी, वो भी बिल्कुल बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स है, कुछ भी अधिक इसमें नहीं ऐड करना है। ये देखिए, ये है कुकुम्बर, इसको हमने छील के वॉश करके इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स क्यूब्स में कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए इसकी सब्जी बनाते हैं। बिल्कुल एकदम एकदम ये समझ लीजिए घर के ही इंग्रेडिएंट से, कोई भी मसाला या टमाटर प्याज किसी की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें हमने 2 से 3 स्पून ऑयल डाल लिया है, ठीक है। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल है। और एक बात गाइस, मस्टर्ड ऑयल भी 2 प्रकार का आता है, एक पीली सरसों का, एक ब्लैक सरसों का, ठीक है। तो ब्लैक सरसों का डाला है हमने ऑयल, ठीक है। तो इसको हमने 3 से 4 स्पून डाल लिया है, तो इतने में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप पीली सरसों का यूज करते हैं तो थोड़ी सी मात्रा, 4 से 5 स्पून आप कर सकते हैं आराम से। तो इसको होने देते हैं, तब तक बनाते हैं अपना मसाला। ये देखिए गाइस, ये हमारी है कटोरी, एक हमने ले ली, ठीक है। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून ले लेंगे धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। बस इतनी 2 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, ठीक है। और मसाले हम कोई भी ऐड नहीं करेंगे। और ये देखिए अपना सॉल्ट हम डालेंगे, ठीक है। सॉल्ट स्वाद अनुसार है। अब मिर्च हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये सॉल्ट हमारा तीखा वाला है, इसमें हमने मिर्च पीस कर रखी है, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे, ये देखिए। और आपके पास अगर तीखा मिर्च वाला मसाला ना हो, नमक ना हो, तो आप इसमें इसकी जगह पर मिर्च अपने हिसाब से जितना तीखा आप खाएं उतनी तीखा डाल सकते हैं, ठीक है। हमने ये पीसी हुई मिर्च का नमक ले रखा है, ठीक है। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम 2 से 3 स्पून मतलब इस तरह का हम पानी इसमें ऐड करेंगे जिससे कि ये हमारा पेस्ट बन जाए बस। क्योंकि हमें इसमें इसमें हमने प्याज या टमाटर नहीं ऐड करना है, इसीलिए हमको इसका पेस्ट बनाना है जिससे कि ये हमारा मसाला डालते समय जले नहीं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये हमारा पेस्ट बन गया। तो ये हम जब ऑयल में डालेंगे ना तो ये जलेगा नहीं, देखिए 2 स्पून में ही हो गया हमारा। ये देखिए गाइस, ऑयल हो चुका है हमारा, ठीक है। सरसों ऑयल में आप धुआं जरूर निकाल लें वरना सच में महक आएगी तो अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए 1/2 स्पून जीरा ले लिया जिसको हम चटका लेंगे, ठीक है। ये चटकता है, ये देखिए हमारा जीरा चटक चुका है। तो अपना ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस, अगर आप लाल मिर्च पीसी हुई मिर्च डालते हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हमने लो बजट में, जीरो बजट में हमने ये सब्जी बना के बताई है। जैसे किसी किसी टाइम ऐसा होता है ना, घर में सब्जियां नहीं होती हैं तो हम क्या बनाएं, तो इस वजह से हम ये रेसिपी लाए हैं आज, ठीक है। तो उसको अच्छे से भून लेंगे। और गाइस एक हम एक तरह की वोटिंग करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोग हमें लाइव देखना चाहते हैं। तो अगर देखना चाहते हैं लाइव तो आप यस पर निशान लगाइएगा, और अगर लाइव नहीं देखना चाहते या नहीं चाहते तो नो पर लगाइएगा। तो जितने जिसके कमेंट ज्यादा होंगे उस हिसाब से हम लाइव पर, अगर यस पर लाइक ज्यादा होंगे तो हम लाइव करेंगे फिर, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आपकी जैसी इच्छा होगी, क्योंकि आप लोग आफ्टर ऑल हमारी फैमिली हैं तो आप लोगों की बात मानेंगे जरूर। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, ऑयल भी निकल आया, तो ये हम अपना कुकुम्बर इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। बस अब कोई चीज नहीं ऐड करनी है इसमें, बहुत यम्मी सब्जी बनकर तैयार होगी इसकी। अच्छे से मिलाएंगे, और अगर आप मिर्च डालते हैं तो नमक आप इस टाइम पर ऐड करिए, ठीक है। क्योंकि हमारा नमक और मिर्च एक में ही था, इसलिए हमने मसाले में ही नमक और मिर्च को पीस भून लिया अच्छे से। और आप अगर
आप मतलब मिर्च डालते हैं, नमक नहीं ऐड करते हैं, तो आप नमक इस टाइम पर डाल दीजिए। देखिए थोड़ी देर से भुनेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा बिल्कुल पानी ऐड करेंगे बस। ये देखिए गाइस, इसको ओपन करेंगे और फिर से एक बार चलाएंगे। देखिए पानी छोड़ दिया है इसने अपना, ठीक है। तो इसमें अब हम ये देखिए हाफ कटोरी पानी है, इतना ही ऐड करेंगे। ये देखिए हाफ कटोरी पानी ऐड कर दिया है, इसमें इतना पानी रहेगा कि ये खाली पकने भर को पानी रहेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना पानी होता है कुकुम्बर में। और आप सब जानते हैं गर्मी में कुकुम्बर बहुत आसानी से मिलता है। हाँ, छीलने के समय आप जब काटें कुकुम्बर को थोड़ा सा चख के देख लें, क्योंकि कभी कभी कुकुम्बर कड़वा भी निकल जाता है। तो अब इसको हम पकने देंगे ऐसे ही। ये देखिए गाइस, बीच बीच में इसको हमें ऐसे चला देना है, ठीक है, ताकि हमारी सब्जी में रसा जो है वो पता चलता रहे। और एक एक आंख को ऐसे खोल कर देख लीजिए आप, अगर गल गई हो सब्जी तो बन चुकी है, लेकिन अभी हमारी ये सब्जी गली नहीं है अच्छे से, तो इसको और हम पकाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है बिल्कुल यम्मी सी। और इसको इस जो हम फोड़ रहे हैं ना, ये फूट रही है आसानी से, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इसमें कोई झंझट नहीं है, हल्दी और धनिया पड़ी हुई है और कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। इस टाइम पर हम डालेंगे थोड़ा होममेड गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, और इसको हम मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से मिला देंगे और सिर्फ एक मिनट के लिए हम इसको फिर से अच्छे से कवर करके रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और ताकि जो मसाला हमने गरम मसाला जो इसमें ऐड किया है ना, तो इसका फ्लेवर जो है हमारी सब्जी में आ जाए, ठीक है, फिर सर्व करते हैं। देखिए गाइस, हमारी सब्जी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए, तो इसको हम करते हैं सर्व। ये देखिए इसको हम सर्व कर देते हैं इस तरह से बाउल्स में। ये देखिए गाइस, हमें धनिया पत्ते से गार्निश कर दिया है, तो कितना प्यारा कितना यम्मी दिख रहा है खाने में, और इतनी टेस्टी है सब्जी है, बिल्कुल जीरो बजट सब्जी है। क्योंकि हम जीरो बजट इसलिए कह रहे हैं कि देखिए हल्दी मिर्च और धनिया सबके घर में रहती है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जीरो बजट रेसिपी है। तो प्लीज गाइस, अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए और बताते रहिए कि आप लोगों को और कौन कौन सी नई रेसिपीज चाहिए हैं जो आप लोगों को हम ला सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।